उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए, ताजा तरीन घटनाक्रम के लिए, देश विदेश से जुड़ी उन जानकारियों के लिए जो आपको जाननी चाहिए, और साथ ही हमारी खास स्पेशल स्टोरीज के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। संवाद 365 के साथ बने रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली एनसीआर में उत्तरायणी पर्व की धूम है। साउथ दिल्ली के पुष्प विहार में भी उत्तराखंड विकास मंच के द्वारा उत्तरायणी मकरायणी पर्व को मनाया गया। सुबह से ही कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों और स्थानीय महिलाओं ने अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की, साथ ही जोड़ा चाचरी से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग भी पहुंचे। सार्वभौमिक संस्था के कलाकारों और राकेश गुसाई के निर्देशन में उत्तराखंडी कलाकारों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी और मां नंदा की डोली यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कई लोग उमड़ पड़े। देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर कितना जो है एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और कोशिश मैंने यही करी थी कि हम जो उत्तराखंड की सभ्यता जो जो संस्कृति हमारी जो है जो है जो ना उसको थोड़ा बच्चे हमारे जो है बीच में हमारी संस्कृति पहुँचे, हमारे जो से जो मिलाव ज्ञान है वो तक पहुँचे। किशनगढ़ मेहरौली में दो दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव का भव्य समापन हो गया। इस आयोजन को भयात के द्वारा आयोजित किया गया था। आयोजन में उत्तरायणी मकरायणी की धूम देखने को मिली। लोक गायक किशन महिपाल के गीतों पर लोग जमकर थिरके। वही नंदा की डोली गीतों पर भी गायक दिलीप रावत और उषा पांडे ने समा बांध दिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही कई लोग पहुंचे। भयात के अध्यक्ष रोशनी चमोली ने सभी को विश्वास दिलाया कि जिस तरह से 10 साल सफलतापूर्वक समाज की सेवा उन लोगों ने की है, वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं पूरे उत्तराखंड जितने भी हमारे दिल्ली में लोग रहते हैं उनको सबको और पूरे देश को उत्तरायणी मकरायणी के इस आने वाले पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे क्षेत्र हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर राज्य का अपना राजकीय पर्व होता है, और मैंने उस उदाहरण दिया कि जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी हमने हमारे इसे राष्ट्रीय महोत्सव का नाम दिया। भया संस्था के पूरे 10 वर्ष पूरे हुए, हमने इसे राष्ट्रीय महोत्सव का नाम इसलिए दिया क्योंकि 13 तारीख से हम सारे राष्ट्र के उत्सव शुरू होने वाले हैं। तो ये हमारा आगाज था, और एक शाम हमने माता के नाम भी रखी थी जिसमें गोपाल मणि जी महाराज जी का सानिध्य हमें मिला था, और पूरे उत्तराखंड समाज ने आज अपनी भागीदारी दी है। देखिए, पहली बार हम लोगों ने दो दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव जो मना रहे हैं दिल्ली के अंदर, अभी तक हम जो भी कार्यक्रम करते हुए आए हैं वो कहीं ना कहीं हम ऐसे कार्यक्रम करते थे और जॉब जो हमारी होती थी जिसमें कि हम लोग समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां थी उनको हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए। संवाद 365 के लिए दिल्ली से दीप सिलोड़ी की रिपोर्ट।